दिल्ली में बीजेपी की 2 दिनों से चल रही बैठक शनिवार शाम को खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक मारने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 2 दिवसीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में जुटने को कहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37% के साथ में 303 सीटें मिली थी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया के प्रत्याशी के फॉर्मूले से निपटने के लिए पार्टी ने उन राज्यों में भी मजबूत और सीधी लड़ाई का फैसला किया है जहां पर पार्टी कमजोर स्थिति में है। इनमें खास तौर पर दक्षिण भारतीय राज्य शामिल हैं।